जब मैंने इंडिया ओलंपिक्स होस्ट क्यों नहीं कर रहा ये वाली वीडियो बनाई थी, तब कई लोगों का कहना था कि इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहिए, और अंडर 17 वर्ल्ड कप हो या 2022 में आने वाला वुमेन्स फीफा चैंपियनशिप, इन दोनों के होस्ट बनने के कारण इंडिया फ्यूचर में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है, ऐसे इंडिकेशन हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है, यही चीज आज की वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो दुनिया भर के हर एक देश के लिए जरूरी होते हैं फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, साथ साथ इंडिया के लिए कुछ स्पेशल फैक्टर्स भी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हम तीन ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला, ये क्या इंडिया आज के डेट में फीफा स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकता है। दूसरा, ये कि क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होगा फीफा का, और किस तरीके से ये फीफा के मैनेजिंग बॉडी या इंडिया को होस्ट करेगा। और तीसरी बात, इसका ओवरऑल कैसा इफेक्ट रहेगा इंडिया के फुटबॉल इकोसिस्टम पर, यानी इसके फैंस और प्लेयर्स पर। बात करते हैं कि क्या इंडिया कैपेबल है फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। कतार को नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए मिलेगा। जब ऐसा अनाउंस हुआ था तब ये क्लियर हो चुका था कि अभी नॉन प्राइमरी प्लेइंग देश के अलावा भी फीफा की गवर्निंग बॉडी दूसरे देशों को चांस देना शुरू कर दिए है, और ये इंडिया जैसे देशों के लिए एक ओपनिंग गेट था फीफा में बिड्स लगाने के लिए। लेकिन क्योंकि फीफा की एक कॉन्टिनेंटल रोटेशनल पॉलिसी है, इसके कारण हर टूर्नामेंट के बाद में दूसरे कॉन्टिनेंट में फीफा का लोकेशन शिफ्ट होगा, यानी यूरोप टू एशिया, एशिया टू अफ्रीका, अफ्रीका टू अमेरिका, और अमेरिका से फिर यूरोप। यानी ऐसे रोटेशन होने के बाद में जब अगले टाइम एशिया में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने की बात आएगी, उस टाइम पे इंडिया को अगला चांस होगा कि वो अपनी बिड्स सामने रख पाए। और अभी के हिसाब से लाइकली डेट इसके लिए 2034 की हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर इंडिया इससे पहले वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो फीफा की मैनेजिंग बॉडी के अंदर कुछ पॉलिसी चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे। अब फीफा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। टोटल 12 स्टेडियम जिनकी कैपेसिटी मिनिमम 40,000 लोगों की हो, 48 टीम बेस्ड कैंप जिसमें ट्रेनिंग की सुविधा हो, और होटल्स प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हो। फीफा को एक डिटेल्ड प्लान देना पड़ता है कि टूर्नामेंट होने के बाद में वो स्टेडियम्स का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे आने वाले कई सालों के लिए, ताकि कोई भी स्टेडियम वेस्ट ना हो पैसों और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। 2 से लेकर 4 एक्स्ट्रा होटल्स और वेन्यूज की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा स्टाफ, रेफरीज, कोचेस और सपोर्ट हेल्प के लिए। तो क्या इंडिया में ये बेसिक लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो फॉर्चुनेटली ISL के कारण ये चीजें ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। कोलकाता, कोची, दिल्ली, ये तीनों शहर मिलकर फीफा की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेडियम्स हैं जिन्हें मेजर अपग्रेड्स की जरूरत है, वहां पे आसपास में कुछ और इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन एट अ बेसिक लेवल इंडिया में ऑलरेडी इतना फुटबॉल इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है कि फीफा लेवल पे भी हम कोई भी टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन गेम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रॉपर एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी नीड्स, इसकी भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट फीफा की गवर्निंग बॉडी कंट्रीज से डिमांड करती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है गवर्नमेंटल सपोर्ट का। फीफा एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट से रिटर्न में ये चीजें मांगती है कि वो जब भी कोई टूर्नामेंट होस्ट करे उस टाइम पे उन्हें फुल सपोर्ट दिया जाए, जब वीजा की बात हो, वर्क परमिट्स की बात हो, सेफ्टी अश्योरेंस हो, और कंट्री में जो भी बिजनेस डीलिंग्स वो करेंगे उस टाइम पर उन्हें फ्रीडम दिया जाए। इसके अलावा टैक्स ब्रेक्स भी कई बार फीफा बॉडी के द्वारा मांगे जाते हैं ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन वो ज्यादा मेंटेन कर पाए। ये बातें जब फीफा गवर्निंग बॉडी के सामने रखी जाती है तब वो कंपीटिंग लिस्ट में सामने आती है। लेकिन इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फीफा गवर्निंग बॉडी के लिए है इसका रेवेन्यू मॉडल। दोस्तों, फीफा इन पिछली सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई कंट्री किस तरीके का रेवेन्यू फीफा के टूर्नामेंट के दौरान लाकर दे सकती है इस बात पर ध्यान देती है, और इससे रिलेटेड हर एक कंट्री को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। बेसिकली इस रिपोर्ट में फीफा को कंट्रीज ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर वो उनके देश में टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो कितने पैसे वो कंट्री उनकी बॉडी के लिए ला सकती है, फिर चाहे वो टिकट सेल से हो, स्पॉन्सरशिप से हो, ब्रॉडकास्टिंग और टीवी राइट से हो, मर्चेंडाइज सेल से हो, या कोई दूसरे तरीके के रेवेन्यू मॉडल्स। जब ये सारी चीजें सामने रखी जाती है तब ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है, और ऑब्वियसली जो भी कंट्री सबसे ज्यादा पैसे कमाकर दे सकता है ऐसा दावा करता है उसे नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, पास्ट में कंट्रीज ने $14 बिलियन, $18 बिलियन इस तरीके के बड़े अमाउंट्स मेंशन किए हैं, और इंडिया ये किस तरीके से कर सकता है इस बात को लेकर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया एक अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल बना सकता है।
अब देखते हैं कि इसके अंदर इंडिया का फायदा क्या है और नुकसान किस तरीके का, स्पेशली अगर हम रेवेन्यू मॉडल्स की बात करें तो। पहली बात, इंडिया में चीजें करने का कॉस्ट कम है। अगर फॉरेन स्पॉन्सरशिप्स वगैरह यहाँ पर ले आई जाती है तो जो भी यहाँ पर होस्टिंग का कॉस्ट है, चाहे वो अकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो, वो कंपैरेटिवली दुनिया भर से कम होगा, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन हाई रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही चीज दूसरे तरफ नुकसान भी पहुंचा सकती है, रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पर फुटबॉल हमारे देश में इतना ज्यादा फेमस नहीं है और सिर्फ कुछ स्टेट्स के अंदर ये ज्यादा फेमस हो चुका है, इसके लिए इसका फैन बेस कॉन्सेंट्रेटेड है और उन्हीं जगहों पर यहाँ के टिकट सेल्स आप गारंटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंगाल साइड में, कुछ महत्वपूर्ण शहरों में और सदर्न इंडिया में फीफा को ये गारंटी दी जा सकती है कि यहाँ पर टिकट सेल्स 100% होंगे और लोग स्टेडियम्स भर देंगे। लेकिन कई सारे भाग जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया, वेस्टर्न इंडिया होगा, जहाँ पर फुटबॉल इतना प्रेवलेंट नहीं है, वहाँ पर ये कर पाना मुश्किल होगा। दूसरी बात, इंडिया में टीवी ऑडियंस बहुत बड़ी तो है लेकिन फुटबॉल के लिए कंपैरेटिवली क्रिकेट के कंपैरिजन में ये इतनी ज्यादा नहीं है, तो टीवी राइट्स के लिए भी कम पैसों की बिडिंग होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल चीज है तो बाहरी देशों के द्वारा वैसे भी बिडिंग हो जाएगी, लेकिन इंडिया के रेवेन्यू में 100% इफेक्ट इस चीज में भी आएगा। अगर हम छोटी चीजों की बात करें तो मर्चेंडाइज सेल, प्रोडक्ट सेल, ये भी कंपैरेटिवली इंडिया में सस्ती कीमतों पर होती है कन्वर्जन रेट्स के कारण, और ये फीफा के रेवेन्यू मॉडल को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे हमने आईपीएल में देखा है, हमारा इंडिया काफी इंडिजीनियस है, चाहे वो प्लेयर्स को लेकर एडवर्टाइजमेंट करना हो, चाहे वो गेम्स के दौरान प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स हो, अलग अलग तरीकों के द्वारा इंडिया ने आईपीएल जैसे गेम को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स बना दिया है पूरे दुनिया में, चाहे वो इंडियन करेंसी में क्यों ना हो। और फीफा के सामने हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल्स बनाकर दे सकते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा टेम्पररी और अपर लेवल पे है और इसका सॉल्यूशन इजीली निकाला जा सकता है। तो इन ऑल कंक्लूजन अगर कहे तो इंडिया केपेबल है कि वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है। इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फुटबॉल लीग्स के ऊपर आती है कि वो कितना गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाती है। और लास्टली, इंडिया बाय टाइम 2022 का वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप किस तरीके से होस्ट करते हुए सामने आता है। लास्टली अगर बात करिए किस तरीके से हमारे फुटबॉल प्लेइंग इकोसिस्टम पर इसका इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके कारण देश भर में होगा। इंडिया में फीफा जब होस्ट होगा तो हमारी खुद की इंडियन मीडिया से इसे इतना अटेंशन मिलेगा जो पास्ट में किसी भी इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने फुटबॉल को नहीं दिया है, जिसके कारण जहां पर आज फुटबॉल का क्रेज नहीं है वहां पर भी वो होते हुए हमें नजर आएगा। और ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप होस्ट होने के बाद में एटलीस्ट कंट्री में हमें एक दूसरा डोमिनेंट और प्रेवेलेंट स्पोर्ट्स उभरते हुए नजर आएगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो होगा कि क्या बाय कॉस्ट इंडिया के लिए ये सही होगा कि वो फीफा होस्ट करे या नहीं, तो इस बात को लेकर भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैंने जो वीडियो बनाई थी कि इंडिया क्यों ओलंपिक्स होस्ट नहीं कर रहा है, अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कई बार इस तरीके के टूर्नामेंट्स के कारण पैसे बड़े स्केल पर वेस्ट होते हैं और सिमिलर चीजें फीफा के लिए भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।